मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, आप अपने स्वयं के जन्म कुंडली के तहत धनियों की कैसी व्यवस्था है, इसे आप कैसे परिलक्षित कर सकते हैं, इसी बिंदु क्रम में धनियों के तहत इसके मुख्य कौन कौन से अहम भाव हैं, धनियों की इस व्यवस्था में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, इस छोटे से इस टॉपिक विशेष पर धन योग को परिलक्षित करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में मुख्यतः किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, कौन से सिद्धांत का आरोपण को आप देखते हुए उसे ट्रीट करते हुए आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में धन योग किस प्रकार का बना हुआ है। मित्रों, पहले तो आप यह जान लें कि जन्म कुंडली के तहत 12 भावों में मुख्यतः 5 भाव का मुख्य दर्जा दिया गया है, जिससे आप धनयोग की व्यवस्था को जान सकते हैं। पहला भाव जो एज ए होल आपके स्वयं का भाव है, आपकी मन स्थिति, आपकी विचारधारा, आपकी चारित्रिक विशेषताओं को पहला भाव ही इंडिकेट करता है। दूसरा भाव जहां स्वयं धन का भाव है, अर्थात कोई जातक धन का संग्रहण या धन का अर्जन किस प्रकार से करना है, यह विशेषता दूसरा भाव बताती है, अर्थात द्वितीय भाव धन का भाव है। तीसरे श्रेणी में पंचम भाव का मुख्य दर्जा दिया गया है, अर्थात पंचम भाव ऑलरेडी अकस्मात धन भाव की व्यवस्था को चिन्हित करता है। इसके अगले श्रेणी में 9th हाउस है, जो भाग्य भाव के रूप में जाना गया है, अर्थात जहां 11th हाउस को लाभ का भाव माना गया है और दूसरे भाव को धन का भाव माना गया है, अर्थात 11th हाउस लाभ के भाव से 11वां भाव अर्थात 9th हाउस, 9th हाउस की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, इसलिए कि ऑलरेडी लक्ष्मी भाव के रूप में एक आध्यात्म भाव के रूप में 9th हाउस का दर्जा दिया गया है। मित्रों, अब अगले सिद्धांत के पड़ाव में आपको यह कैलकुलेशन करना है। मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप स्वयं हमारी बातों को सुनते हुए अपने जन्म कुंडली के तहत इसका परीक्षण भी कर सकते हैं, अर्थात आपके जन्म कुंडली में आपको यह देखना है कि पहले भाव, दूसरे भाव, पंचम, नवम और एकादश भाव का अधिपति प्लैनेट किस पोजिशन में है, अर्थात क्रमशः जो मैं 5 भाव की बात बता रहा हूँ, पहले, दूसरे, पंचम, नवम और 11वें भाव का अधिपति ग्रह अगर परस्पर 5ों भाव के अधिपति ग्रह एक दूसरे में ही युतिबद्ध पोजीशन में हो, तो एक सुंदर धनयोग के रूप में चरितार्थ करता है। ध्यान से समझने की चेष्टा करें, अर्थात पहले भाव, दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं, परस्पर इन ग्रहों की युति हो या आपस में परिवर्तन योग बनाए, अर्थात राशि परिवर्तन योग बनाए, अर्थात कन्या लग्न की अगर होरोस्कोप है, फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप अगर कन्या लग्न की होरोस्कोप है तो 11th हाउस का 4 अंक अर्थात कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, द्वितीय भाव जो धन का भाव का अधिपति राशि तुला राशि जिसका अधिपति शुक्र है, अर्थात कन्या लग्न में जहां पंचमेश पंचम भाव अधिपति लॉर्ड शनि है, वहीं आप ध्यान से समझने की चेष्टा करें 9th हाउस भाव का अधिपति लॉर्ड शुक्र है, वृषभ राशि है और 11th भाव का अधिपति चंद्रमा है, अर्थात द्वितीय शुक्र पंचमेश शनि और भाग अधिपति 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र और 11th भाव का अधिपति चंद्रमा अगर इन ग्रहों की युति बनती है और यह युति अगर नहीं भी बनती है तो परस्पर राशि परिवर्तन योग होता है, अर्थात जहां पंचमेश शनि दूसरे भाव में चला जाए, शुक्र जो द्वितीयेश है धन का अधिपति है उसकी पोजीशन पंचम में आ जाए, या एकादश भाव का अधिपति चंद्रमा दूसरे भाव में चला जाए और शुक्र का रिलेशन सह संबंध 11th हाउस से हो जाए, अर्थात किसी की लग्न चार्ट में पहले, दूसरे, पंचम, नवम, 11th भाव अधिपति ग्रहों की परस्पर दृष्टिगत रिलेशन न होते हुए भी राशि परिवर्तन योग हो जाए या युति बन जाए तो एक महाधनी योग की श्रेणी में ऐसा सिद्धांत के रूप में देखा गया है। मित्रों, इन 5ों के स्वामी ग्रह अर्थात फॉर एग्जाम्पल जो हमने कन्या लग्न का एक
उदाहरण दिया, इन पांचों के स्वामी ग्रह अर्थात पहले दूसरे पंचम नवम इलेवेंथ में अगर दूसरे भाव को छोड़ दे तो क्रमशः चार जो भाव के अधिपति लॉर्ड हैं, अगर इन ग्रहों में दो ग्रहों की, तीन ग्रहों की या चारों ग्रहों की युति दूसरे भाव में अगर बनती हुई प्रतीत होती है तो महाधनिक योग के रूप में जाना गया है। अगले सिद्धांत के रूप में अगर दूसरे धन का अधिपति प्लैनेट का रिलेशन 11वें लाभ भाव से हो जाए, या लाभ भाव का अधिपति ग्रह का रिलेशन दूसरे भाव से हो जाए, या इन धन अधिपति ग्रह या लाभ अधिपति ग्रह दोनों की युति 11th या दूसरे भाव में हो जाए तो महाधनिक योग की श्रेणी में इसको भी माना गया है। मित्रों, धन का अधिपति, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैंने आपकी सुविधा के लिए हमने कन्या लग्न को लिया है। कन्या लग्न में धन का अधिपति दूसरे भाव का अधिपति तुला राशि जिसका अधिपति शुक्र है, अगर वह शुक्र लग्नस्थ हो जाए या पंचम भाव में आ जाए या नाइन्थ हाउस में आ जाए या एलेवेंथ भाव में उसके रिलेशन बन जाते हैं तो महाधनिक योग की श्रेणी में यह भी सिद्धांत आता है। मित्रों, इन ग्रहों की युति हो, जैसे मैंने बताया पहले दूसरे पंचम नाइन्थ और एलेवेंथ भावेश इन ग्रहों की युति हो और इन ग्रहों की युति में कोई भी एक ग्रह उच्चगत राशि में हो जाए तो बहुत सुंदर माना गया है, अर्थात धन योग की श्रृंखलाबद्ध उपागम को बड़े सुंदर तरीके से पूर्ण करता है अर्थात संपुष्ट करता है। मित्रों, सबसे अहम बात है कि इन ग्रहों की युति में कोई ग्रह अस्त ना हो, अर्थात सूर्य से युतिबद्ध होकर उसके अंश सूर्य से इतना निकट ना हो जाए कि वह ग्रह कंबस्ट अर्थात निस्तेज हो जाए या अस्त हो जाए तो यह बेहतर नहीं होता है, अर्थात गुरु का किसी भी ग्रह का अस्त होना बेहतर नहीं माना गया है। मित्रों, अब अगले सिद्धांत के रूप में धन योग कैसा बना हुआ है इसके कोरिलेशन को संपुष्ट करने के लिए चंद्रमा चूंकि मन है, आपकी मानसिक व्यवस्था का संचालन चंद्रमा करता है, अर्थात चंद्रमा और लग्नेश के रिलेशन बेहतर होने चाहिए, अर्थात चंद्रमा का रिलेशन लग्नेश की युति या दृष्टिगत रिलेशन या परस्पर केंद्रगत रिलेशन बनते हैं तो बहुत ही सुंदर माना गया है। अर्थात चंद्रमा अगर पीड़ित होता है और लग्नेश से छठे आठवें खडाष्टक योग बनाता है, या चंद्रमा अच्छे भाव में नहीं है, छठे आठवें मृत्यु भावगत पोजीशन में जाकर कमजोर हो गया है तो यह बेहतर नहीं माना गया है, अर्थात सुंदर धन योग बनने के बावजूद भी धन टिकता नहीं है, वह अपव्यय की व्यवस्था में चलाता है। चंद्रमा के अलावा आप बृहस्पति को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अर्थात आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन या भावगत स्थिति हो या राशिगत स्थिति हो बेहतर होनी चाहिए, अर्थात बृहस्पति की जब पोजीशन अच्छी होती है तो धन योग की श्रृंखलाबद्ध सुंदर योग को चरितार्थ करता है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि धन योग बनने के पश्चात धन की प्राप्ति कब होगी, उसे आप कैलकुलेशन के माध्यम से उसे आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं। मैंने बताया कि जन्म कुंडली के तहत जो 12 भाव हैं उसमें पहले दूसरे पंचम नवम और 11 भाव की प्रासंगिकता अपने आप में ही स्ट्रांग होनी चाहिए, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए पहले भाव का अधिपति प्लैनेट द्वितीयेश पंचमेश और भाग्य भावेश या एकादशीश की दशा महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का चलना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कन्या लग्न को हमने ओवरराइड किया, अर्थात धनेश शुक्र है और लाभेश चंद्रमा है, चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो, पंचमेश शनि की महादशा में धनेश शुक्र की अंतर्दशा हो, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र है, वृषभ राशि है, शुक्र की महादशा में लाभेश चंद्रमा की अंतर्दशा हो, अर्थात पहले दूसरे पंचम नवम और एकादश भावेश ग्रहों की दशा काल को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, ट्रांजिट गोचर में भी ग्रहों की चाल को भी देखना जरूरी है, अर्थात गोचरी व्यवस्था में आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन यह कर सकते हैं कि धन की प्राप्ति किस मुहूर्त काल में किस
कालखंड में आपको प्राप्त होनी है। खासकर गोचरी व्यवस्था में बृहस्पति और शनि का गोचर को अवश्यंभावी रूप से देखें। जब बृहस्पति ट्रांजिट अर्थात गोचर में लग्न पे दृष्टिगत रिलेशन बनाता हो, या लाभ 11th हाउस में बनाता हो, या दूसरे धन भाव में बनाता हो, दृष्टिगत रिलेशन या स्थिति वाइज उस भाव से गुजरता हो या दृष्टि बनती हो, पंचम भाव से 9th हाउस से अर्थात पहले दूसरे पंचम नवम 11th का दृष्टिगत रिलेशन क्रमशः बृहस्पति और शनि का गोचरीय परिभ्रमण काल में वहां से गुजरता हुआ हो जाता हो या दृष्टिगत रिलेशन बनाता हो, तो उस काल खंड में आपको सुंदर धन की प्राप्ति हो सकती है। यह तो बात हुई मित्रों लग्न चार्ट की, अर्थात पहले दूसरे पंचम नवम और एकादश भावेश ग्रहों की पोजीशन, इस भाव की प्रासंगिकता सुंदर होनी चाहिए। इसके अलावा षोडश वर्ग चार्ट में D9 अर्थात नवमांश वर्ग कुंडली में भी इसे आप महसूस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अर्थात ग्रहों की कैसी पोजीशन है, जो हमने पांच भाव के व्यवस्था में आपको मैंने बताया लग्नेश दूसरा भाव पंचम नवम और एकादश भावेश ग्रहों की D9 चार्ट में कैसी पोजीशन बनी हुई है। मित्रों सिद्धांत के अगले पड़ाव में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शुक्र जो विलासता भौतिकतावाद विलासता युक्त जीवन का संप्रेषण का कारक प्लैनेट है, अर्थात शुक्र बृहस्पति और राहु यह भी धन योग के जिम्मेदार होते हैं। अर्थात शुक्र बृहस्पति और राहु जब आपके लग्न चार्ट में दूसरे भाव या 11th भाव में या 9th हाउस में स्थित हों, अर्थात बृहस्पति हो या शुक्र हो या राहु हो या तीनों ग्रहों की युति हो या किसी दो ग्रहों की युति हो, अर्थात शुक्र बृहस्पति और राहु का रिलेशन आपके लग्न चार्ट में दूसरे 11th और 9th भाव से रिलेशन बनते हो, तो बड़ा ही सुंदर एक धनयोग के रूप में माना गया है। परंतु बृहस्पति और शुक्र नीचगत राशि में ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्थात कन्या राशि 6 अंक पे शुक्र नीच का हो जाता है, वहीं मकर राशि 10 अंक पे बृहस्पति नीच का हो जाता है। अर्थात दूसरे 9वें और 11th भाव में नीचगत शुक्र या बृहस्पति की स्थिति ना हो, यह आपको चेक करना है। मित्रों अगले पड़ाव में सिद्धांत के रूप में अर्थात धनयोग की श्रृंखला में चंद्रमा वर्सेस मंगल का रिलेशन को भी मुख्य दर्जा दिया गया है। जब चंद्रमा और मंगल की युति होती है तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी धनयोग बताया गया है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के तहत चंद्रमा वर्सेस मंगल अर्थात परस्पर केंद्र के सहसंबंध में हो या पंचम नवम मूल त्रिकोणगत सहसंबंध में हो, अर्थात चंद्रमा से मंगल पंचम में हो या नवम भाव में हो, या मंगल से चंद्रमा केंद्र का रिलेशन पहला चौथा सप्तम दशम अथवा पंचम नवम का रिलेशन, या परस्पर दोनों ग्रह परस्पर सहसंबंध की श्रेणी उस व्यवस्था में हो, तो सुंदर एक धनयोग की व्यवस्था को संचालित करता है। अर्थात मित्रों आपके जन्म कुंडली में धनयोग की व्यवस्था को जानने के लिए पहले दूसरे पंचम नवम और एकादश भाव की व्यवस्था को आप रेखांकित कर सकते हैं, जो हमने एक सिद्धांत के रूप में सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने जो आपको बताया उससे आप कैलकुलेशन सुंदर तरीके से कर सकते हैं। यद्यपि D9 चार्ट की अवहेलना आपको नहीं करनी है। ग्रह स्पष्टीकरण में कोई ग्रह मजबूत स्थिति में होना चाहिए, उसके एंगल उसके अंश को भी देखना जरूरी है। कोई ग्रह अस्त प्राय पोजीशन में नहीं होना चाहिए, अर्थात सूर्य से अस्त ना हो, और इन पांच भाव के अधिपति ग्रह नीच की राशि में ना हो। मित्रों इस छोटे से टॉपिक पर धनयोग की श्रृंखला बद्ध सिद्धांत के रूप में आप अपने जन्म कुंडली का कैसा परीक्षण कैसे परीक्षण कर सकते हैं, इसी छोटे से वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी प्रयागराज, नमस्कार।